अयोध्या में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई है। उसकी माँ और दो बहनें घायल हो गई हैं। शहर में जगह जगह जलभराव होने से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। बारिश के बाद सुबह कमिश्नर नवदीप रीणवा ने शहर में जलभराव का जायजा लिया और नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि अपनी टीम के साथ हुए जलभराव को समाप्त करें। दरअसल पिछले 36 घंटे से अयोध्या जनपद में लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। थाना महाराजगंज के द्वारकापुर गांव में पीपल के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से पीपल का पेड़ छप्पर पर गिर गया। छप्पर में सो रही किशोरी की मौत हो गई, तो उसकी माँ और दो बहनें घायल हो गई। थाना खंडासा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। भारी बारिश से अयोध्या नगर निगम की पोल खुलती नजर आई। नाले साफ न होने की वजह से सड़कों और कॉलोनियों में जलभराव की जबरदस्त समस्या देखी गई। कमिश्नर ने कहा कि नालों की सफाई कराकर जलभराव समाप्त कराया जाएगा। एक और जनौरा में भी जलभराव की समस्या की मेरे पास खबर आई है, तो नगर आयुक्त को मैंने बोला कि वो चले जाएं, वहाँ उनकी टीम चली जाए और जहाँ जहाँ जलभराव है वहाँ जो बेस्ट हम पॉसिबल कर सकते हैं परिस्थितियों में वो लोग हम करें। वरिष्ठ अधिकारी जितने हैं, चाहे वो जल निगम, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम, जो शहर से जुड़े जो मेन हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये मौके पे जाएं, जिससे इनके जूनियर अधिकारी भी जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स भी जाएंगे, और ये जो इतनी लंबी बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश हुई है, इसका जो भी दिक्कतें आ रही हैं हमारी क्षेत्र की जनता को, उसका निवारण जल्दी से जल्दी करें। देखिए, हमने कई नाले तो मैंने खुद साफ़ करवाए, बाकी मैंने नगर आयुक्त को बोला है कि अभियान चला के जो नाला का संबंधी गैंग है उसकी संख्या बढ़ा दें, नालों की सफाई कराएं ठीक से। काफ़ी नाले हैं जो पुरानी सफाई लंबे समय से अच्छी नहीं हुई, एक बार करा दें ताकि लंबे समय तक हमें दिक्कत नहीं करें।